बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दी मैंजे ग्रोसरी एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमने ईद के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने एक घर का आगाज़ शुरू किया है, इसमें जो है तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अभी आज इसकी जो है तारें डाली जा रही हैं। तो आज पहला ही दिन है, ईद के बाद हम आए हैं तो आज पहला दिन है। पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं, घर की माशाल्लाह लोकेशन बहुत अच्छी है जी। ये सामने जो है मेरी बैक साइड पे, ये जो सामने पार्क है, अली ब्लॉक है, बैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी। तो इसका जो मकान नंबर है ये बन रहा है 586 नंबर। इसका ग्रे स्ट्रक्चर अगर कैमरे वाला दिखा सकता है, ये जरा दिखा दें। ग्रे स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया है। तो आज हम जो इसके तारें डालने लगे हैं बिजली की, जो कि सीलिंग से पहले डाली जाती हैं। मेन तारें जो है सीलिंग से पहले डाल दी जाती हैं, उसके बाद जो है सीलिंग हो जाती है, उसके बाद लाइटें और तारें जो हैं वो बाद में डाली जाती हैं। इससे पहले जो चीज़ें जो बाद में नज़र नहीं आती, तो हमारा मकसद होता है कि साथ साथ आपको बताते रहें, क्योंकि आपके भी जहन में होना चाहिए, इलम में होना चाहिए हम कौन सी तार डालते हैं और किस तरह का काम करते हैं। आइए मैं आपको तारों का जो है ना वो बताता हूँ कौन सी डाल रहे हैं। आज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं हम अंदर एंटर हो गए हैं। कोई भी काम शुरू करें मुसलमान के लिए ये लाजमी है कि अल्लाह के पाक नाम से शुरू करना चाहिए, इसलिए मैं अंदर एंटर हुआ हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंदर आया हूँ। तो इसलिए हमें जो है, क्योंकि हमें दीन में यही सिखाया गया है, जब भी कोई काम शुरू करें, खाना खाना शुरू करें, कोई काम शुरू करें, अच्छा काम कोई भी शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी चाहिए। ये हमारा जी ग्राउंड फ्लोर है, ये एक इसमें ये फायदा हो गया इसकी छुट्टियों में माशाल्लाह ये खुशक सही हो गया। अब तो साथ साथ काम चलता रहेगा, अभी इसमें तारे डालेंगे, उसके बाद सीलिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद सीलिंग के साथ ही हम इंशाल्लाह टाइल्स का काम शुरू कर देंगे। लोकेशन भी इसमें बहुत अच्छी है, आइए हम ऊपर चलते हैं। जैसा कि अभी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ गए हम फर्स्ट फ्लोर, हमने ये फैसला किया कि ये फर्स्ट फ्लोर से शुरू करते हैं ताकि ऊपर से सीलिंग शुरू हो जाएगी, और ऊपर जब सीलिंग का काम खत्म हो जाएगा नीचे ग्राउंड फ्लोर में चले जाएंगे सीलिंग वाले, तो हम ऊपर जो लाइटें भी लगा लेंगे तब तक, और बाकी जो तार होगी सीलिंग के अंदर जो आती है लाइट होगी वो भी डाल देंगे। तो आइए आपको तार दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। इलेक्ट्रिशियन हमारे रऊफ साहब जी, मेरे साथ ये तकरीबन कमोबेश मेरा ख्याल 10 साल से काम कर रहे हैं, और जितने प्रोजेक्ट हैं आप देखते होंगे इलेक्ट्रिशियन मेरे पास यही है, बहुत अच्छा काम कर। मैंने जैसा कि आपको बताया था इंशाल्लाह ताला दुआ होगी, दुआ के बाद जो है बच्चों को मिठाई वगैरह खिलाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ भी हो गई और उसके बाद मिठाई वगैरह भी हो गई। उसके बाद ये थोड़ी सी मसरूफियत थी क्योंकि ईद की छुट्टियां गुजरी हैं, ये एक हफ़्ता तकरीबन बैरिया में नहीं आए, तो इस वजह से कोई मसरूफियत थी, दोस्त आए थे उनके साथ मैं निकल गया, तो वीडियो जेन से निकल गई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फर्स्ट फ्लोर है यही घर है, ये जो हाउस नंबर है ये 586 है, स्ट्रीट नंबर 2 बैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी, सेक्टर जो है ये अली ब्लॉक है। इसके अगर कैमरे वाला दिखा सकता है, बिल्कुल सामने जो है हेड ऑफिस है, बैरिया टाउन का मेन हेड ऑफिस है। तो तारें जो तारों का आगाज़ हो गया है, तो अभी जो इंशाल्लाह ताला कल जो है ग्राउंड फ्लोर से शुरू करेंगे, वो भी साथ साथ आपको दिखाएँगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।